खबर गुलाचिका से है। एसपी उपासना के निर्देश अनुसार बुलेट पटाखा बाइकों पर ट्रैफिक पुलिस का सख्त रवैया। बुलेट को मॉडिफाई करवाकर साइलेंसर की अलबत्त पटाखे की आवाज निकालकर क्षेत्र में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ एसपी उपासना के निर्देश अनुसार ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक स्पेशल अभियान के तहत बुलेट पटाखा चालकों पर शिकंजा कसा जा रहा। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया है कि एसपी उपासना के मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस लगातार बुलेट पटाखों पर पैनी नजर रखी हुई है। शरारती तत्व बुलेट से पटाखों द्वारा समाज में अशांत का माहौल बनाते हैं, जिस पर एसपी द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए यातायात प्रभारी को ऐसे शरारती तत्व पर नकेल कसने का आदेश दे दिया है, जिस पर खरा उतरते हुए आज ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अनिल कुमार की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस द्वारा कड़ा एक्शन लेते हुए 10 बुलेट बाइक और 12 जुगाड़ मोटरसाइकिल रेडी और 12 अन्य बाइकों के चलान काटे गए हैं। उपासना के आदेश अनुसार मोटरसाइकिलों के मोटरसाइकिल इम्पाउंड किए जा रहे हैं और बुलेट साइलेंसर और जो ये है प्रेशर ऑन के चलान किए जा रहे हैं और जो ये बगैर जुगाड़ रेडे हैं जो इनको भी इम्पाउंड किया जा रहा है। और कितने बोल्ट मोटरसाइकिल इम्पाउंड किए गए हैं? मोटरसाइकिल बोल्ट मोटरसाइकिल कम से कम ये लगा लो 10 मोटरसाइकिल इम्पाउंड हो चुके हैं। और कितने ये जुगाड़ू रेडे 12 जुगाड़ रेडे बंद किए गए हैं। कितने मोटरसाइकिलों के चलान किए गए हैं? आज करीब 10-12 मोटरसाइकिलों के चलान अभी तक कर चुके हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। ये अभियान कब से शुरू किया गया था और कब तक चलेगा? ये कब एक सप्ताह से अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो आगे किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी जो हेलमेट नहीं पहनते? जो हेलमेट नहीं पहनता उसका चलान किया जाएगा और हमसे हम तो यही कह रहे हैं भी हेलमेट लगा के चलो और ये प्रेशर हॉर्न मत लगाओ बाइकों पे। और बुलेट वालों से भी अपील है भी अपने अपने साइलेंसर जो एजेंसी साइलेंसर लगा के दे।